जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों आज की यह वीडियो सबसे कठिन चैप्टर पर आधारित है और यकीन मानिए कि सबसे कठिन चैप्टर को इतना आसान बना देंगे कि परीक्षा हाल में एक नैनो सेकेंड में आंसर को टिक कर पाएंगे या कर पाएंगी चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बच्चा कंफ्यूज तब हो जाता है कि जब उसे चौपाई दोहा बरवे हो या रोला हो बच्चा कंफ्यूज होता है सोरठा कुंडलिया गीतिका उल्लाला हो या चरण हो यति हो गत हो, गति हो या तुक हो या फिर वर्णिक वर्ण, या या अब कहते हुए भी कर लेंगे आइए शुरू करते हैं इतना आसान जो यूट्यूब पर पहली बार मैं कहता हूं कि ऐसी वीडियो छंद की मिलेगी नहीं तो सारे टॉपिक को हम 10 से 12 मिनट में खत्म कर रहे हैं आइए स्वागत है हर वीडियो आपको मिल जाएगी विस्तार पूर्वक बच्चा गलती तब करता है कि जब छंद को पढ़ने से पहले वो डायरेक्ट दोहा और और सोरठा पर कूद है है रूट वर्ड से क्वेश्चन आते हैं कहता है, पिंगल शास्त्र की रचना किसने करी छंद शास्त्र की रचना किसने करी छंद का उल्लेख सबसे पहले कहा मिलता है ये क्वेश्चन जब बनते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो एक मिनट में पहले इन रूट वर्ड को जान लिए रूट चीजों को जान लो कहा से शुरू होता है देखिए छंद की बात कर रहा हूं तो छंद देखिए क्या है मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को ही छंद कहते हैं जिस तरह अलंकार क्या है का आभूषण है जिस तरह रस को पढ़ने से रसानुभूति उत्पन्न होती है इसी तरह छंद क्या है छंद की बात करें तो छंद शब्द का अर्थ होता है अहलादित करना यानी जो हृदय को क्या कर दे प्रसन्न कर दे हृदय को क्या कर दे भाव विभोर हृदय में आ जाए वही क्या है दोस्तों छंद है बच्चा कंफ्यूज यहां पर भी होता है कि छंद का सबसे पहले प्रयोग कहां मिलता है देखिए सबसे पहले एक बार और परिभाषा को समझो छंद का प्रयोग मुख्यतः उनकी वर्णों और मात्राओं के आधार पर होता है यानी छंद में मात्राओं का खेल बहुत है वर्णों का खेल बहुत है इसीलिए कहा जाता है कि वाणिक छंद और मात्रिक छंद है ना तो छंद में हमेशा याद रखिए यानी मात्रिक और वर्णिक यानी वर्ण और मात्राओं का खेल होता है इसलिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि अहलाद यानी खुशी या प्रसन्नता हो उसे हम छंद कहते हैं छंद की बात करें तो छंद दोस्तों चद धातु से बना है जो ऑलरेडी मैंने अभी ऊपर बताया आपको ठीक है छंद का सबसे पहले उल्लेख प्यारे कहां मिलता है ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद क्या है हमारा ऋग्वेद चारों वेदों में एक प्राचीन वेद है सबसे प्राचीन वेद है जहां पर गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र यानी अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि छंद शास्त्र की रचना किसने करी प्यारे तो पिंगल ऋषि ने करी यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और छंद के इस रचना को पिंगल ऋषि ने करी इसीलिए इसे कह दिया गया पिंगल शास्त्र है ना तो अगर क्वेश्चन में आ जाए पिछली बार आया भी था देखिए ये पिछले साल भी पूछा गया था और यह भी आया था कि पिंगल शास्त्र का दूसरा नाम क्या है या छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है पिंगल शास्त्र है और रचना किसने करी पिंगल ऋषि ने करी बात खत्म हो गई चलो अब बच्चा यहां पर देखिए कहता है कि सर यह यति से प्रश्न आता है हमने देखा और हम परेशान कि सर कहीं कर नहीं पाए सर ये तुक क्या है गति क्या है अब इनको बहुत एक एक लाइन में जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है देखो हम इन सबको पढ़ने से पहले आपको पहले छंद की बात कर लेते हैं और छंद में उसके आधार पर गति और यति को जान लेते हैं सबसे पहले देखिएगा छंद की बात होती है और बच्चा यह कहता है कि सर यह गुरु क्या है और लघु क्या है देखो वर्ण क्या होता है मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं जब वर्णमाला में पढ़ते थे तो कहते थे कि वर्ण या अक्षर वो है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते लेकिन है तो एक प्रकार की ध्वनि ही लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वर्ण कितने प्रकार के या यहां छंद में वर्ण का मतलब मात्रा है तो मात्रा कितने प्रकार की है दो प्रकार की मात्राएं होती हैं एक लघु मात्रा जिसको ऐसे हम डिनोट करते हैं एक गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा जिसको हम ऐसे करते हैं यस आकार में तो मात्राएं दोस्तों हिंदी में दो प्रकार की होती हैं एक लघु या हृष्व मात्रा एक दीर्घ या गुरु मात्रा बात कंफर्म हो गई तो ये बात ये बात अभी आगे जरूरत पड़ेगी दोहा और सोरठा और कुंडलिया और बरवे में ठीक है ना सारी चीजों में लेकिन बच्चा यहां पर परेशान है कि गति क्या है यति क्या है तुक क्या है देखो आपको बता के हम दिखाते हैं जैसे गति क्या होता है और तुक क्या यति क्या है गति क्या है और यति क्या है देखो यति समझ लो और गति समझ लो पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रभाव को गति कहते हैं जैसे हमने कहा रघुपति राघव राजा राम कहते ना रघुपति राघव राजा राम ये क्या एक गति है अब अगर गति की बात करेंगे तो पढ़ते समय अगर कविता के स्पष्ट जो हम ले जिस तरह हम चलते हैं ना ये हमारी गति है जिस तरह हम लिख रहे होते हैं तो पेन और हमारे हाथ की एक गति है गति में रुकावट नहीं होती अब समझिए यति क्या है यति वो है जो गति के समय अगर हम थोड़ा रुकना चाहें छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं ध्यान रखना प्यारे यति क्या है जैसे हमने अभी आपको बताया गा के रघुपति राघव मैंने कहा रघुपति राघव सांस ली है ना और पति तो पावन सीताराम है ना फिर हमने कहा कि जब हम थोड़ी देर के लिए देखिए जब हम अगर किसी काम को कर रहे होते थक जाते हैं तो विरामावस्था में आ जाते हैं उसे भी रुकना कहते हैं चलते चलते अगर हम थक जाते हैं और हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं चेयर के नीचे उसे भी विराम अवस्था लिखते समय अगर हम जो है रुकना चाहें तो हम उसे विराम चिन्ह कहते हैं लेकिन पढ़ते समय अगर हम रुकना चाहें तो वो हम यति कहते हैं यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यानी पढ़ने में अगर हमने सांस भी ली तो हमारा यति हो गया समझ में आया तो गति एक लय और लय के बीच में रुकना यति ठीक है ना अब ये तुक क्या है मैं वही बता रहा था रघुपति राघव राजा राम ये लास्ट में मां आया और मां जो है राम को किया और फिर हमने कह दिया पतित पावन सीताराम लास्ट में फिर भी हमने मां मिला दिया तो क्या है छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है ना लय लयात्मक लयात्मक ही तो तुक है गति तो गति है चल रहा है यति तो रुकावट है और तुक क्या है जिसमें लयात्मक है जिसमें क्या है जिसमें लयात्मक है तुकांत है वही तुक है ठीक है चलिए अब बात होती है मेन फैक्ट की कि भैया ये तो हो गया दो तीन क्वेश्चन समझ लो तैयार हो गए आपके जितना भी पढ़ा दिया छंद के प्रकार देखिए ऐसे ही अलंकार तत्सम तत्सम तस, तद्भव ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय ऐसे ही दोस्तों आपका क्या पूरा साहित्य ऐसे ही जितना संधि से लेकर क्या है समास और ऐसे ही जितना भी दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग और वचन सारे चैप्टर को दस दस मिनट के शो में खत्म कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लिंक दे रहा हूं छंद छंद के चंद के के प्रकार प्रकार की बात करें तो चंद के प्रकार में देखिएगा दो होते हैं एक मात्रिक होता है एक वार्णिक होता है मात्रिक छंद किस पर आधारित होता है मात्रिक छंद होता है मात्रा के आधार पर और वार्णिक छंद किस पर आधारित होता है वर्ण के आधार पर होता है बस इतना याद रखिए मात्रा के आधार पर मात्रिक है और वर्ण के आधार पर सर वर्णिक है बात खत्म हुई सर ठीक है चलिए अगर अब हम देखिए मेन चैप्टर पे आ गए अब ध्यान देना अब एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन भैया भारी पड़ेगा परीक्षा में मैं यह कहता हूं कि हर जगह आपको यह समझना होगा कि चौपाई क्या है आपको मात्राएं गिननी नहीं आती मैं एक नैनो नैरोकेंड में सिखा दूंगा हो सकता है आपसे कल को यह कह दे बताइए ये कह दे, दे आपसे क्या कह दे आपसे यह कह दे एक उदाहरण दे दे और कह दे ये बताओ किसका उदाहरण है अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा देखिए एक सेकंड में एक कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं एक सेकंड में चौपाई की बात कर लो चौपाई में सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हर साल पूछा जाता है कि चौपाई में मात्राएं कितनी होती हैं हर बच्चे को पता है सोलह लेकिन यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि चौपाई में चरण कितने होते हैं चौपाई में चरण होते हैं दोस्तों चार और मात्राएं कितनी होती हैं सोलह इतना याद रख चौपाई चार चरण सोलह मात्राएं हर चरण में सोलह होंगी हां सर हर चरण में सोलह होंगी हर चरण में सोलह मात्राएं कैसे गिनोगे मैंने अभी कहा था अभी ऊपर मात्रा दो प्रकार की होती है एक को लघु कहते हैं दो को हम कहते हैं क्या गुरु कहते हैं मतलब जो अक्षर छोटा होगा छोटी मात्रा होगी उसमें एक मात्रा जोड़ी जाएगी और जो बड़ा होगा उसमें दो जैसे अब देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक यहां पर आप सोलह कर सकते हो क्योंकि यहां दो चीजें अब देखिए अगर नहीं आपको पता है यहां पर मात्राओं का खेल है जैसे हमने कहा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इन्हें दो गिना जाएगा नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह किसी भी चरण में गिन लो जैसे मान लो इसमें गिनना है लास्ट में एक दो छोटे है ना तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और यहां पर देखिए मात्रा आ गई है ना मात्रा आ गई और यहां पर दो हो जाएंगी फिर से सुनिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह सोलह सोलह मात्राएं होंगी किसी में भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह हर चरण में सोलह मात्राएं आपको मिलेंगी वही क्या है चौपाई हो जाएगी बात इतनी सी है तो मात्राओं का गिनने का क्या है यही होता है ये लघु है ये गुरु है बात क्लियर हो गई आ जाओ दोहा क्या है दोहा और सोरठा आपस में उल्टे होते हैं सबसे पहली बात यह अर्ध मात्रिक छंद है इसमें भी चार चरण होते हैं इसमें कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं यह बात दिमाग में बैठा लेना इसके पहले और तीसरे चरण में देखिए पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या तेरह होती है यानी विषम चरण में और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है ग्यारह मात्राएं होती हैं जैसे रहीमन पानी राखिए यह पहला चरण है ठीक है ना और यह दूसरा चरण है ये तीसरा चरण है यह चौथा चरण है तो पहला चरण यह है तो दूसरा चरण यह है तीसरा चरण यह है तो चौथा चरण यह है समझ गए पहले तीसरे इसमें और इसमें मात्राएं कितनी होंगी तेरह एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तेरह मात्राएं होंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और यहां पर ए जो था वो तेरह यानी तेरह मात्रा है अब अब बोले सर ग्यारह दो चार में एक दो तीन चार चारे सात आठ नौ दस ग्यारह जहां पर बड़े ऊ की मात्रा है वो ग्यारह जैसे यहां एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह है ना जहां पर मात्रा है वहां दो और यहां पर नहीं है वहां पर एक मात्रा तो कुल मिला के तेरह तेरह और ग्यारह ग्यारह मात्राएं दोहा में मिलेंगी सोरठा में क्या होता है कि सोरठा में केवल आपको दोहा का उल्टा कर देना है सर ये कैसे दोहा का उल्टा का मतलब होता है कि जिस तरह क्या होता है दोहा में पहले और तीसरे में तेरह तेरह मात्राएं थी ऐसे ही दोस्तों सोरठा में पहले और तीसरे में ग्यारह ग्यारह मात्राएं और दूसरे और चौथे में यहां दोहा में कितनी थी ग्यारह ग्यारह थी और यहां पर आपको तेरह तेरह मात्राएं मार लेनी है तो यही कहता है कि पहले तीसरे में ग्यारह ग्यारह और दूसरे और चौथे में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं क्या गिनने की आवश्यकता है सर नहीं दोहा इतना याद रखो तेरह तेरह ग्यारह ग्यारह और सोरठा ग्यारह ग्यारह तेरह तेरह अगर यह पूछा जाए सोरठा का विपरीत क्या है तो दोहा दोहा का उल्टा क्या है सर सोरठा है बस इतना दिमाग में रहना चाहिए ठीक है कुंडलिया बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न आता है कि बताइए जिससे शुरू हो उसी पर खत्म हो बताइए वो क्या तो ध्यान दो कि कुंडलिया का जो निर्माण होता है कुंडलिया का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है कुंडलिया का निर्माण होता है दोहा प्लस रोला बराबर दोस्तों एक समीकरण याद रखना दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया क्या होता है कुंडलिया होता है ये बात दिमाग में बैठा लेना दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया होता है यह दिमाग में आपको बैठा लेना है और आप समझो यह एक विषम मात्रिक छंद है हाँ कुंडलिया में इस चीज को ध्यान रखना छह चरण चौबीस मात्राएं यानी इसमें हर चरण में छह चरण होते हैं छयों में चौबीस यानी एक दो तीन चार पांच छे हर चरण में चौबीस चौबीस मात्राएं है होती हैं एक दोहा और बाद में रोला जुड़कर यानी रोला और दोहा से ही मिलकर कुंडलिया बनती है आ जाओ जरा देखें इसका उदाहरण जैसे मैंने ये कहा कि किसी हाँ हमने अभी कहा कि अभी आपको बोला था कि कुंडलिया जो है जिससे शुरू हो जिससे शुरू हो और अंत भी जहां शब्द शुरू में आएगा वही अंत में भी आएगा उदाहरण में देख लो साई से शुरू हुआ था साई पर ही खत्म हुआ ठीक है ये बात दिमाग में बैठा लेना आवाज आ रही ना ठीक है चलो अब देखिए हर चरण में कितनी मात्राएं मैंने बताई थी हर चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं समझ लो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस 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 मात्राएं सभी में हैं शुरू में जो आया है वही अंत में आएगा ये कुंडलिया का क्या है एग्जाम्पल है ठीक है भाई रोला क्या है रोला एक मात्रिक सम्छंद है इससे प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं चौबीस मात्राएं इसमें भी होंगी फर्क कितना है यह दोस्तों जो कुंडलिया था यह विषम मात्रिक छंद था यहां पर दोस्तों क्या है चौबीस मात्राएं हैं अब इसमें उतने चरण नहीं हां इतना जरूर है कि आप इसके प्रत्येक चरण की बात करेंगे तो ग्यारह और तेरह मात्राओं पर यति होगी यति का मतलब विरामवस्था हम श्वास लेंगे तो आप अगर ये पूछे कि रोला में टोटल कितनी मात्राएं चौबीस दोहा में ग्यारह ग्यारह या तेरा 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 ग्यारह ग्यारह मात्राएं और सोरठा में ग्यारह ग्यारह तेरह तेरह चौपाई में सोलह और अगर यही पूछे ये बताओ कुंडलिया में तो छह चरण में चौबीस चौबीस मात्राएं है होती हैं ठीक है ना ये बात दिमाग में बैठा लेना यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं उल्लाला उल्लाला भी कोई दिक्कत नहीं है मात्राओं तो गिन और तीसरे चरण में पहला चरण यह है दूसरा और तीसरा चरण यह है इनमें मात्राएं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है ना ग्यारह बारह तेरह तेरह हो जाएगा चौदह पंद्रह यहां हो जाएगा समझ गए ना मात्राओं में दो गिननी है तो हर पहले और तीसरे चरण में हमें मात्राओं की संख्या पंद्रह और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या तेरह गिननी है तो कुल मिलाकर यह हमारा उल्लाला हो जाता है क्लियर है उल्लाला उल्लाला हो जाता है 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 को आप याद कर कर बरवे बरवे में क्या है? की बात देखिए हर जगह ट्रिक का इस्तेमाल नहीं अगर क्लियर तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं और लास्ट में भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कितने बच्चे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपका शुरू हो गया है देखिए क्वेश्चंस आपका शुरू हो गया है बस पहले बरवे देख लो बरवे में क्या है यह मात्रिक अर्ध सम छंद है इस छंद के विषम चरणों में ouais यानी पहले और तीसरे में बारह और दूसरे और चौथे में सात मात्राएं होती हैं जैसे पहला चरण यह है दूसरा यह है तीसरा यह है और चौथा यह है दूसरे और चौथे चरण में सात मात्राएं हैं। इसको छोटा है गिन लो एक दो तीन चार पांच छ सात यानी देखिए इसको दो गिनेंगे इसको दो गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे और सात हो गई इसमें सात मात्राएं निकल आई ये इसमें भी सात होंगी एक दो तीन चार पांच छ सात इसमें भी सात आ गई है ना सात हो गई इसमें आपकी कहता है पहले और तीसरे में बारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और एक अंग वाला बारह हर जगह बारह मात्राएं आपको मिल जाएंगी दूसरे और पहले और तीसरे में तो यह क्या है बरवय और लास्ट हर गीति का समझ लो क्वेश्चन करेंगे यह मातृक समछंद है मात्रिक इस छंद के प्रत्येक चरण में यह बहुत महत्वपूर्ण है देखिए अट्ठाइस अभी तक नहीं आई हरिगीतिका में अट्ठाईस लगता है इतना बड़ा है और जो बड़ा है उसमें ज्यादा अट्ठाइस मात्राएं होती हैं और सोलह बारह होती है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नये ठीक है ना तो ये सारी चीजें क्या है ये आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गई ठीक है चलिए एक प्रश्न आता है पहला पहला प्रश्न कहता है एक छंद में कितने चरण होते हैं एक छंद में दोस्तों चार चरण होते हैं इसलिए विकल्प जाएगा एक साथ आपका हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे लेकिन क्या हम इसमें थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं मैंने कहा चलो ठीक है दूसरा चौपाई के प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है सर हर चरण पूछो चाहे कितने भी चरण पूछो चौपाई की बात करेंगे तो सोलह मात्राएं होती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं चौपाई की अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा था चौपाई में चार ही तो चरण होते हैं इसलिए छह नहीं कुंडलिया में छह मार लेते लेकिन छंद में चार और चौपाई में भी चार चरण होते हैं बात इतनी सी थी अगला आ जाता है चौथा कि छंद के पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मैंने कहा था पहले तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं हो जिसमें ज़्यादा मात्राएं होंगी यानी आपको पता है पहले तीसरे में तेरह तेरह हो सकती हैं और उधर पहले तीसरे में ग्यारह ग्यारह हो सकती हैं पहले में मात्रा अगर ज्यादा है तो समझ लो वो दोहा है और पहले तीसरे में अगर ग्यारह मात्राएं हैं तो ये समझ लो सोरठा है इसलिए यहां पर लास्ट में दूसरे चौथे में ग्यारह ग्यारह है तो हम कह सकते हैं ये तो दोहा का उदाहरण है कुल मिला के दोहा की ट्रिक क्या हो सकती है दोहा की ट्रिक दोस्तों ऐसे समझो कि दोहा को याद करने के लिए दोहा इसको क्या है इसको ये देखिए ऐसे है तीन है ना तो शुरू में तीन तेरह आ जाएगा शुरू में तेरह आ जाएगा तो यही कहता है पहले शुरू में तेरह और बाद में ग्यारह सोरठा में ज्यादा अक्षर है छोटा और दोहा में कम अक्षर है बड़ा नंबर आ जाएगा इतना याद रखो दोहे और रोले को क्रम से मिला दो हमने आपको बताया था ना दोहे और रोले को अगर आप मिला दोगे तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा कुंडलिया का ये कुंडलिया ठीक है ना चलिए अगला छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है पिंगल शास्त्र हो छंदास्त्र हो पिंगल ऋषि ने रचना की ये मिलता है प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है आंसर ए वीडियो लाइक जरूर कर देना कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को कहते हैं क्या यति कहते हैं दोस्तों और तुक उसकी मिलान राहन को कहते हैं और गति पढ़ने की गति होती है इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ अगला कोई भी छंद किस किस में विभक्त रहता है कोई भी छंद कैसे विभक्त रहता है हम कहते हैं ना चरण में विभक्त रहता है और चरण होते हैं और यति हम यति यति हम कहते हैं ना पढ़ने समय पढ़ते समय जो रुकावट है जो विराम है वही तो दोस्तों यति है वही दोस्तों कहीं कहीं ना कहीं रुकावट है विराम अवस्था है मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत क्या होता है तो मात्रा की दृष्टि से दोहे का विपरीत होता है सोरठा होता है इसलिए विकल्प डी हो जाएगा क्या दिक्कत है नंबर का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है तो वो भैया होता है प्रथम और अंतिम कुंडलिया होता है ये दिमाग में आपको बैठा लेना है तो ये वीडियो कैसी लगी आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करिए वहां पर आपको पीडीएफ जरूर फ्री में दे दी जाएगी जय हिंद वंदे मातरम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले सो में